हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ। क्लास ट्वेल्थ है एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2 के हम क्वेश्चन नंबर 1 to 6 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है, शो दैट वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 + x - 2x / 2 + x एंड एक्स है वो हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन -1 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स थ्रू आउट इट्स डोमेन। हमारे पास ये फंक्शन दे रखा है और हमें क्या प्रूव कर क्या दिखाना है, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स के लिए इंक्रीजिंग फंक्शन है थ्रू आउट इट्स डोमेन, इसके डोमेन को छोड़कर। अब देखो y इज इक्वल टू दे रखा है लॉग ऑफ 1 + x - 2x / 2 + x। सबसे पहले हम क्या करते हैं, dy by dx निकाल लेंगे। dy by dx इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 + x का आ जाएगा 1/1 + x माइनस u by v की फॉर्म है तो u by v का लगाएंगे, v स्केयर, v एज इट इज़ और u का 2x का आ जाएगा 2 माइनस 2x एज इट इज़, 2 का हमारे पास 0 हो जाएगा और x का 1। dy by dx इज इक्वल टू ये एज इट इज़ माइनस 2 × 4 + 2x - 2x, 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास ये आ गया, दोनों का एलसीएम ले लेंगे 1 + x एंड 2 + x स्केयर, 2 + x स्केयर की और 1 की मल्टीप्लाई 2 + x स्केयर माइनस इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 एज इट इज और 1 + x। अब इसका स्केयर ओपन करेंगे, 2 का स्केयर क्या आ जाएगा 4 + x² + 4x माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 1 = 4 और -4x, 4x से 4x कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, dy/dx आ जाएगा हमारे पास x² / 1 + x × 2 + x का स्केयर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट रख देंगे। अब डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन इज गिवन टू, हमारे पास जो डोमेन है इस फंक्शन की वो क्या गिवन है, बी एक्स ग्रेटर देन -1 की, जो x की वैल्यू है वो -1 से बड़ी है। अगर -1 से बड़ी है तो क्या ले लेंगे, x + 1 है वो भी ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि x + 1 है हमारे पास वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0, क्योंकि x की वैल्यू 0 रख देंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, वो क्या है ग्रेटर देन 0। आल्सो 2 + x² ग्रेटर देन 0 और जब x + 1 ग्रेटर देन 0 है तो 2 + x भी का स्केयर है वो भी ग्रेटर देन 0 होगा, x की वैल्यू 0 रख देंगे तो क्या आ जाएगा 2 का स्केयर 4 आ जाएगा। इसी तरह से जब इसको ओपन करेंगे तो x स्केयर है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या आ गई, dy/dx है वो ग्रेटर देन 0 आ गया, क्यों, वहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आ रखी थी x² / 2 + x² और (x + 1) ये इक्वेशन आ रखी थी। इस इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया तो ये भी 0 से बड़ा आएगा, ये भी 0 से बड़ा और ये भी 0 से बड़ा, जब सभी डिजिट 0 से बड़े आएंगे तो पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, dy/dx ग्रेटर देन या इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स एंड डोमेन, जितने भी एक्स हैं डोमेन के अंदर। तो क्या बोल सकते हैं, x > -1 एंड f इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, और f कैसा आ जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, Find the value of x for which y is equal to x × x - 2 पूरे का होल स्केयर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। हमें वैल्यू निकालनी है x की और y हमें दे रखा है इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। अब fx इज इक्वल टू y है और y इज इक्वल टू क्या, x × x - 2 का होल स्केयर। अब इसको करेंगे तो क्या आएगा, x के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे x² - 2x और पूरे का स्केयर। फिर f′x निकाल लेंगे तो पहले पावर को आगे लेके आए 2x² - 2x, फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे x² का 2x और -2x का -2, पूरे में से 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 × 4 और इसमें से x कॉमन हो जाएगा 4x आ जाएगा। यहाँ से x कॉमन गया तो क्या बचेगा x - 2 और इधर से 2 कॉमन ले लेंगे तो x - 1। इक्वेशन फर्स्ट होगी, फिर अप्लाई करेंगे 4x × x - 2x - 1 = 0, इक्वल टू 0 रख लिया, पहले फर्स्ट को 0 रखेंगे 4x = 0 तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, x - 2 = 0 तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी और x - 1 = 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 1 आएगी। सो वी हैव 4 डिसजॉइंट सब इंटरवल्स, अब हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं तो कितनी आएंगी, 4 डिसजॉइंट इंटरवल्स आएंगी और इंटरवल्स किस किस के बीच होते हैं, -∞ से ∞। तो फर्स्ट हमारे पास क्या आएगी,
माइनस इन्फिनेटिव से ज़ीरो, फिर ज़ीरो से वन, वन से टू और टू से इन्फिनेटिव। तो ये हमारे पास चार इंटरवल आ गए। पहले फर्स्ट पे लेके चलेंगे फोर माइनस इन्फिनेटिव टू ज़ीरो। अब माइनस इन्फिनेटिव और ज़ीरो के बीच की वैल्यू रखनी, तो हमने क्या रख लिया, एक्स की वैल्यू माइनस वन। एफ डैस एक्स इज इक्वल टू फोर माइनस वन माइनस वन माइनस टू इंटू माइनस वन माइनस वन। अब देखो ये क्या आ जाएगा, फोर और माइनस वन माइनस फोर आ जाएगा, यहाँ से माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री आ जाएगा और ये माइनस टू। थ्री टाइम्स माइनस आ गया तो क्या आएगा, माइनस आएगा, तो क्या आया नेगेटिव, और नेगेटिव है तो क्या आएगा, एफ डैश एक्स है वो हमारे पास क्या आया, लेस देन या इक्वल टू ज़ीरो आया। लेस देन ज़ीरो है तो हम क्या बोल देंगे, इक्वल टू भी नहीं आएगा, लेस देन ज़ीरो। लेस देन ज़ीरो है तो नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो क्या बोल देंगे, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग। फोर ज़ीरो वन, फिर हमने अप्लाई कर दिया ज़ीरो वन के लिए। ज़ीरो और वन के बीच का डिजिट हमने क्या ले लिया, वन बाई टू ले लिया। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फोर इंटू वन बाई टू, वन बाई टू माइनस वन, वन बाई टू माइनस टू, इसको कैंसिल कर देंगे टू आ जाएगा। वन बाई टू में से माइनस वन करेंगे तो माइनस का वन बाई टू आएगा, इसमें से करेंगे ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो दोनों प्लस हो जाएंगे। प्लस हो गए तो एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, और ग्रेटर देन ज़ीरो है तो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फोर वन और टू। वन और टू इंटरवल के बीच में देखते हैं, एक्स की वैल्यू 1.5 लिख लो, या फिर इसको हम 3/2 लिख सकते हैं। ये वैल्यू अप्लाई करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फोर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो भी पॉजिटिव, और 3/2 में से 2 माइनस करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव है तो एफ डैश एक्स लेस देन इज इक्वल टू ज़ीरो, सो एफ इज डिक्रीजिंग। तो हम फंक्शन को क्या बोल देंगे, डिक्रीजिंग बोल देंगे। लास्ट हमारे पास बचता है इंटरवल 2 टू इन्फिनेटिव, फिर हम अप्लाई करेंगे 2 से इन्फिनेटिव के लिए। फॉर 2 टू इन्फिनेटिव के लिए अप्लाई किया तो x की वैल्यू हमने 2 के बाद क्या रख ली, 3 रख ली, तो dy वाई बाई डी एक्स तीनों पॉजिटिव आ जाएंगे, पॉजिटिव आ जाएंगे तो सारा पॉजिटिव है, और पूरा पॉजिटिव है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, सो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। इन किस किस पर इंक्रीजिंग आया, हमारा फंक्शन 0 से 1 एंड 2 टू इन्फिनेटिव, और एफ एक्स डिक्रीजिंग है किस पर, माइनस इन्फिनेटिव से 0 एंड 1 से 2। इन दो इंटरवल्स पर डिक्रीज है, इन दो इंटरवल्स पर इंक्रीज है फंक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। प्रूव दैट y इज इक्वल टू 4 साइन थीटा बाई 2 प्लस कोस थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑफ थीटा इन इंटरवल 0 टू पाई बाई 2। पहले y दे रखा है, y से हम dy बाई डी थीटा निकालेंगे। y इज इक्वल टू 4 साइन थीटा बाई 2 प्लस कोस थीटा माइनस थीटा। अब dy बाई डी थीटा क्या आ जाएगा, इसका तो हम u बाई वी की फॉर्म अप्लाई करेंगे, v स्केयर, v एज इट इज़ u का आ जाएगा 4 साइन थीटा का कोस थीटा माइनस 4 साइन थीटा एज इट इज़, 2 का 0 हो जाएगा और कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, माइनस थीटा का क्या आ जाएगा 1। इसको सॉल्व करेंगे 2 प्लस कोस थीटा का स्केयर, 4 टू जा 8 कोस थीटा प्लस 4 कोस स्केयर थीटा प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 साइन स्केयर थीटा माइनस 1 है। अब 8 कोस थीटा प्लस 2 4 दोनों में से कॉमन ले लिया, कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा और नीचे 2 प्लस कोस थीटा का स्केयर माइनस 1। अब 8 कोस थीटा प्लस 4 ले लिया और इसमें से जब हमारे पास कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा, इसको अगर हम चाहें तो ओपन भी कर सकते हैं, दूसरा अगर हम इसको ऐसे ओपन करेंगे तो 2 प्लस कोस थीटा का होल स्केयर भी लिख सकते हैं इसको। तो हमने क्या लिख दिया इसको, 2 प्लस कोस थीटा का होल स्केयर और माइनस 1। इन दोनों में से हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 8 कोस थीटा प्लस 4 आ जाएगा और इसका स्केयर ओपन करेंगे माइनस 4 माइनस 4 कोस स्केयर थीटा माइनस 4 कोस थीटा आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 प्लस कोस थीटा का स्केयर। ये हमारे पास कैसे आया, देखो इसको तो हम पूरे को क्या लिख सकते हैं, 1 लिख देंगे तो ये तो क्या हो गया 1, और ये इसका जब हमने एलसीएम लिया तो इसके और इसके मल्टीप्लाई माइनस में ये आ गया, इसीलिए हमने इसको अप्लाई किया, कैंसिल हो गया 4 से 4 8 कोस थीटा, 8 कोस थीटा में से 4 कोस थीटा माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 4 कोस थीटा माइनस कोस स्केयर थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस कोस थीटा का होल स्केयर। ऊपर से हम क्या कॉमन ले लेंगे, कोस थीटा कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 4 माइनस कोस थीटा और नीचे है 2 प्लस कोस थीटा का होल स्केयर इज इक्वल टू क्या रखेंगे, 0, क्यों, क्योंकि हमें फंक्शन जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग प्रूव करते हैं तो इज इक्वल टू 0 करके थीटा की वैल्यू निकालेंगे। इज इक्वल टू 0 रख दिया, आप थीटा है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, 0 से पाई बाई 2 के बीच में लाई करता है, इंटरवल दे रखा है हमें 0 से पाई बाई 2,
थीटा जीरो से पाई बाई टू है तो कॉस थीटा अप्लाई कर देंगे, इधर कॉस जीरो क्या हो जाएगा जीरो और कॉस पाई बाई टू क्या हो जाएगा वन, तो कॉस थीटा कहाँ से कहाँ तक अप्लाई करेगा जीरो से वन तक। देर फोर फिर हमारे पास फंक्शन क्या था, फोर माइनस कॉस थीटा था, तो फोर माइनस कॉस थीटा वो क्या आएगा, इसकी वैल्यू जीरो से वन तक आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा वन आ सकते हैं, तो फोर माइनस वन क्या आएगा थ्री आएगा और कम से कम जीरो आएगी, फोर में से जीरो को माइनस करेंगे तो फोर रहेगा, तो हमेशा पॉजिटिव आएगी, तो क्या लिख देंगे फोर माइनस कॉस थीटा ग्रेटर देन जीरो, तो डी वाई बाई डी थीटा वो भी क्या होगा ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो, फोर थीटा जो है वो जीरो से पाई बाई टू के बीच में लाई करेगा, हैंस वाई इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इज जीरो से पाई बाई टू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन जीरो टू इन्फिनेटिव, हम ये बताएं कि लॉगरिथमिक फंक्शन है और वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है फंक्शन जीरो टू इन्फिनेटिव के लिए, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है लॉग एक्स है, एफ डैश एक्स कर देंगे लॉग एक्स का क्या आ जाएगा वन बाई एक्स आ जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो वन बाई एक्स इज इक्वल टू जीरो रख देंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे एक्स आ जाएगा जीरो का रेसिप्रोकल जीरो, तो एक्स की वैल्यू क्या आई हमारे पास जीरो, फॉर ऑल एक्स इन जीरो टू इन्फिनेटिव जितने भी एक्स हैं जीरो टू इन्फिनेटिव के लिए एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन जीरो है, क्योंकि नेगेटिव कोई पॉइंट ही नहीं है, नेगेटिव कोई भी पॉइंट नहीं है तो जीरो से बढ़ाएगा, तो एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन जीरो, सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन जीरो टू इन्फिनिटिव, अगर इक्वल हो जाता तो इंक्रीजिंग है और सिर्फ ग्रेटर है तो क्या बोल देंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन द फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज Neither strictly increasing nor strictly decreasing on minus 1 to 1. पहले हमें फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस वन, एफ डैश एक्स निकालेंगे एक्स स्केयर का 2x आ जाएगा और x का माइनस वन, फिर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, अगर हमारे पास जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो एफ डैश एक्स वो ग्रेटर देन जीरो होगा, तो 2x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, अगर यहाँ अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 बाई टू आ जाएगी, अप्लाई करके देखो 2x माइनस वन है वो हमेशा क्या आएगा ग्रेटर देन जीरो आएगा, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू अगर हम कुछ भी अप्लाई कर लें ज़्यादा से ज़्यादा x की वैल्यू 1 बाई टू अप्लाई कर सकते हैं, 1 बाई टू से बड़ी कोई भी वैल्यू अप्लाई कर लो हमेशा पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा किसके लिए एंड x है वो हमारे पास क्या ग्रेटर देन 1 बाई टू है, इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल 1 बाई टू टू 1, तो जो फंक्शन हमारा वो इंक्रीजिंग होगा किस इंटरवल पर 1 बाई टू से लेके 1 तक, इस इंटरवल पर फंक्शन इंक्रीज होगा, एफ एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एफ एक्स वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा ऑन द इंटरवल, किस इंटरवल पर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इज एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, टू एक्स माइनस वन वो लेस देन जीरो होगा जब एक्स की वैल्यू क्या होगी लेस देन वन बाई टू, वन बाई टू से कम होगी तो एफ टू एक्स माइनस वन भी क्या आएगा लेस देन जीरो आएगा, तो डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल माइनस वन टू वन बाई टू। अब हमारे पास क्या है, इन्होंने बोल रखा है माइनस वन से वन तक, लेकिन इसी को हमने ब्रेक कर दिया तो वन बाई टू से वन तक तो हमारे पास इंक्रीजिंग आ गया और फिर डिक्रीजिंग आ गया, और वन बाई टू से वन अगर पूरी इंटरवल लेते हैं तो ना तो हाफ में इंक्रीज है हाफ में डिक्रीज है, इसलिए हम क्या बोल देंगे हेंस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल माइनस वन टू वन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन जीरो टू पाई बाई टू, एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स दे रखे हैं, अब इसको करेंगे तो क्या आएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा कोस का क्या आया माइनस साइन एक्स, सिन अब माइनस साइन एक्स है और इन्होंने इंटरवल क्या दे रखी है जीरो से पाई बाई टू, एक्स की वैल्यू वो क्या दे रखी है जीरो से पाई बाई टू के बीच में लाई करेगी, अब जीरो से पाई बाई टू के बीच में लाई करेगी तो देखो दस फोर एक्स इन जीरो टू पाई बाई टू साइन एक्स इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, जीरो से पाई बाई टू वो किस में है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा है पॉजिटिव, तो साइन एक्स है वो क्या आएगा हमेशा ग्रेटर देन जीरो आएगा, एंड माइनस साइन एक्स है तो सभी माइनस के हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा लेस देन जीरो, एफ डैश एक्स है माइनस साइन एक्स था तो क्या आ जाएगा एफ डैश एक्स है लेस देन जीरो, और अगर लेस देन जीरो है तो क्या बोल देंगे सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन जीरो टू पाई बाई टू। नेक्स्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू कोस टू एक्स,
एफ डेस एक्स इज इक्वल टू इसका करेंगे कोस टू एक्स का माइनस साइन टू एक्स और टू एक्स का टू आ जाएगा। अब एक्स हमारा कहाँ से कहाँ लाई करता है, जीरो से पाई बाई टू, जीरो से पाई बाई टू लाई करता है, यहाँ पर टू एक्स है तो टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर टू एक्स हो जाएगा, टू के और जीरो की मल्टीप्लाई जीरो, इधर टू से मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल हो जाएगा पाई। तो अब हमारा टू एक्स है वो जीरो से पाई के बीच में लाई करेगा, देयर फोर साइन टू एक्स। अब इसके आगे हमने साइन लगा दिया तो साइन टू एक्स हो गया। अब साइन टू एक्स हो गया तो साइन टू जीरो कितना होगा, जीरो होगा, और साइन पाई है वो भी हमारे पास कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो हम क्या बोल देंगे, साइन टू एक्स है वो हमारे पास क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो आएगा। अब माइनस टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस टू साइन टू एक्स, इधर भी माइनस टू से करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ क्या होगा कि अगर हमने किसी भी माइनस से अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड किया है तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो माइनस टू साइन टू एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो हो जाएगा। सो एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, देयर फॉर फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन जीरो टू पाई बाई टू। थर्ड है हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस थ्री एक्स, एफ डेस एक्स इज इक्वल टू कोस थ्री एक्स का कर देंगे माइनस साइन थ्री एक्स और थ्री एक्स का थ्री। अब एक्स हमारा जीरो से पाई बाई टू में लाई करता है, एक्स की थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंगल थ्री एक्स है तो थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा इधर जीरो, और इधर थ्री एक्स और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे थ्री पाई बाई टू। अब हमारा कहाँ से कहाँ तक आया, जीरो से थ्री पाई बाई टू, दस टू केसेस, उसमें दो केसेस बनेंगे हमारे पास। क्या क्या केसेस बनेंगे, एक तो जीरो से पाई तक का बनेगा, एक पाई से थ्री पाई बाई टू बनेगा। फर्स्ट हमने केस लिया फॉर जीरो से पाई, जीरो से पाई के लिए जब हमने अप्लाई किया साइन थ्री एक्स, साइन थ्री एक्स जीरो से पाई के बीच में फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट और दोनों क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो साइन थ्री एक्स है वो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। जब माइनस थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसमें से भी पॉजिटिव, पॉजिटिव में नेगेटिव की मल्टीप्लाई क्या आएगी, नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। क्या बोल देंगे, माइनस थ्री साइन थ्री एक्स है वो लेस देन जीरो हो जाएगा। एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, लेस देन जीरो है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन जीरो टू पाई बाई थ्री, क्योंकि एक्स के लिए निकाले तो इसको थ्री से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पाई बाई थ्री। इसके बाद हमारे पास सेकेंड इंटरवल था पाई टू थ्री पाई बाई टू। अब साइन थ्री एक्स है अप्लाई कर दिया तो साइन पाई आ जाएगा और इधर साइन थ्री पाई बाई टू आ जाएगा। अब पाई और थ्री पाई बाई टू के बीच में साइन नेगेटिव होता है, नेगेटिव है तो लेस देन जीरो है, तो साइन थ्री एक्स है वो लेस देन जीरो है। जब माइनस थ्री से इसकी मल्टीप्लाई कर दी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ग्रेटर देन जीरो हो गया। एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो है तो क्या बोल देंगे, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन पाई बाई थ्री टू पाई बाई टू। क्यों, क्योंकि हमारे पास इंटरवल दे रखी है थ्री पाई से लेके थ्री पाई बाई टू, और यहाँ पर किसके लिए, थ्री एक्स के लिए। अब एक्स के लिए निकालेंगे तो क्या कर देंगे, इसको हमें डिवाइडेड बाई थ्री कर देंगे, इधर से ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा, पाई बाई थ्री, और इधर से पाई बाई टू आ जाएगा। सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन पाई बाई थ्री टू पाई बाई टू। सो एफ एक्स इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। जीरो से पाई तक हमारे पास कैसा आया, डिक्रीज आ गया, और पाई से थ्री पाई बाई टू तक इंक्रीज आ गया, तो फंक्शन को हम ना इंक्रीजिंग बोल सकते ना डिक्रीजिंग। नेक्स्ट है हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स दे रखा है, एफ डैश एक्स निकाल लेंगे क्या आ जाएगा, सेक्स स्केयर एक्स। अब सेक्स के किसी भी नंबर का अगर हम स्केयर करेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो आएगा, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव सभी का ग्रेटर देन आएगा, तो एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन जीरो। सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन जीरो टू पाई बाई टू। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इज द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1 इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एफ एक्स हमारे पास फंक्शन दे रखा है एक्स की पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1, एफ डैश एक्स आ गया। अब इसकी पावर को आगे लेके आएंगे, 100 एक्स की पावर 99 प्लस साइन का एक्स क्या आ जाएगा, कोस एक्स आ जाएगा, 1 का 0 ऑन इंटरवल। अब फर्स्ट में इंटरवल दे रखा है हमारे पास 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, ए के अंदर हमारे पास क्या दे रखा है, 0 से 1, और बी हमारे पास दे रखा है पाई बाई 2 से पाई दे रखा है, सी हमारे पास दे रखा है 0 से पाई बाई 2, और डी में हमारे पास दे रखा है नन ऑफ दीज। ये आपके पास पॉइंट्स दिए हुए हैं, अब इससे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हमारा है 0 टू 1, 0 टू 1 के लिए हम फंक्शन को देखते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीज प्रूव करना है हमें 0 टू 1। अब 0 टू 1 के लिए हमारे पास क्या आएगा, ऑन 0 टू 1 x है वो ग्रेटर देन 0। सो क्यों है x ग्रेटर देन 0, क्योंकि 100 x की पावर 99 वो भी ग्रेटर देन 0 होगा, एंड फॉर cos x
और कॉस एक्स है वो हमारे पास क्या आएगा, जीरो रेडियंस है। रेडियंस जब हम इसके अंदर रेडियंस अप्लाई करते हैं तो रेडियंस में हमारे पास क्या आता है, 0.1 रेडियंस। कितना आता है, ये आता है 0.57 के नियरली आता है 1 रेडियन। तो 0.57 है वो 0 से बड़ा है तो क्या बोल देंगे, 0.57 डिग्री नियरली ये ग्रेटर देन है हमारे पास 0 से। सो फंक्शनिस्टिकली इंक्रीजिंग ऑन 0 to 1। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड में क्या दे रखा है, 0 से पाई बाई 2 से पाई, 400x की पावर 99। क्योंकि साइन एक्स के लिए कोस एक्स के लिए अलग से करेंगे, ये क्या है 100x की पावर 99। अब एक्स बिलोंग करता है पाई बाई 2 से पाई, और पाई बाई 2 से पाई के बीच में अगर हम अप्लाई करते हैं तो पाई बाई 2, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 बाई 2, 2 से कैंसिल कर देंगे 11/7 आ जाएगा आपके पास, 11/7 आ गया हमारे पास है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, पाई है, पाई की वैल्यू 22/7 है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1.5, इसको करेंगे 3.1। और 1.5 और 3.1 दोनों वैल्यू जब भी हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 से बड़ी वैल्यू तो इसके मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, 100 से भी बड़ा नंबर आएगा। तो 4 कोस एक्स, फिर हम इसी के अंदर, क्योंकि एक तो ये है प्लस कोस एक्स है, कोस एक्स देखते हैं पाई बाई 2 से पाई, पाई बाई 2 से पाई हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव है बिटवीन -1 and 0, और किस किस के बीच में रहेगा, -1 और 0 के बीच में। Therefore, functionistically increasing on pi by 2 to pi. क्यों, क्योंकि अगर हमारे पास ये जो फंक्शन है यहाँ पे 100 आ जाता है तो ये क्या आ सकता है, -1 आ सकता है, इससे बड़ा तो आ ही नहीं सकता ना, इससे छोटा आ सकता, 0 और -1 के बीच में रहेगा तो क्या आएगा 99, और ये पॉजिटिव है तो क्या आ जाएगा, functionistically increasing on pi by 2 to pi. नेक्स्ट है हमारे पास सी, सी में हमारे पास दे रखा है ऑन 0 to π/2, 0 से π/2, 0 हमारे पास एज इट इज़ है, पाई बाई 2 को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 11/7, और 11/7 को करेंगे 1.5। बोथ टर्म्स गिवन फंक्शन आर पॉजिटिव, दोनों जो टर्म्स हैं वो पॉजिटिव हैं, सो एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। इसलिए हम क्या बोल देंगे, ऑप्शन डी करेक्ट है, क्यों, क्योंकि तीनों पे हमारे पास कैसे आए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आई हैं, और हमें क्या बताना है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो पॉइंट डी है उसको लिख देंगे कि नन ऑफ दिस, इसमें से कोई भी ऐसे नहीं है जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ ए, ए की हमें वो लिस्ट वैल्यू निकालनी है सच दैट द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 सिंपल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ए 1 to 1 to पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 है, एफ डैश एक्स निकालेंगे एक्स स्क्वायर का 2x प्लस ए आ जाएगा, सिंस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1 to। अब हमारे पास फंक्शन किस पे इंक्रीज दे रखा है, 1 से 2 पर, देयरफॉर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन वो इज इक्वल टू किसके दे रखा है 2x प्लस ए, और जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास इंटरवल दे रखा है 1 to 2, अब 1 to 2 के लिए दे रखा है तो x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी और 2 से छोटी होगी हमारे पास, फिर हमारे पास 2x है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 से कर दिया, इसको 2 से, इधर भी 2 से, 2 1 जा 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2x की वैल्यू 2 और 4 के बीच में लाई करेगी, फिर प्लस ए है तो हमने दोनों साइड तीन पूरे में ए ऐड कर दिया, इधर भी ए प्लस ए प्लस ए, अब 2x प्लस ए की वैल्यू कहाँ से, 2 प्लस ए और 4 प्लस ए के बीच की वैल्यू आएगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स इज 2 प्लस ए एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 4 प्लस ए, सिंस एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स इन 1 to 2। अब 2 प्लस ए है वो ग्रेटर देन 0 है तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ग्रेटर देन -2, एंड 4 प्लस ए है वो भी ग्रेटर देन 0 है तो ए की वैल्यू भी क्या आएगी, ग्रेटर देन -4, सो लिस्ट वैल्यू ऑफ ए इज -2, तो ए की हमारे पास लिस्ट वैल्यू क्या है, -2। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या दे रखा है, लेट आइडेंटिटी बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1, हमें ये दे रखा है आइडेंटिटी एनी इंटरवल पर है डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1, प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई, फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, किस पर, आइडेंटिटी पर इंक्रीजिंग है, तो फंक्शन दे रखा है एफ डैश एक्स निकालेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा और 1/x का -1/x
एक्स स्केयर, फिर हमने एलसीएम ले लिया, एक्स स्केयर माइनस वन आ जाएगा। एक्स स्केयर माइनस वन को हम ओपन करेंगे, ए इसको हम वन का स्केयर लिख सकते हैं, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन और डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। फिर हम इसको क्या करेंगे, फॉर एवरी एक्स आइदर, अब एक्स की हमारे पास दो वैल्यू आ जाएंगी, एक्स माइनस वन है और एक्स प्लस से वन है, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, या तो हमारे पास एक्स की वैल्यू माइनस वन से लेस आएगी या फिर ग्रेटर आएगी वन से। फॉर एक्स है वो लेस देन माइनस वन है, अगर एक्स लेस देन माइनस वन है तो एक्स की वैल्यू हमने क्या पुट कर ली, माइनस टू पुट कर ली। एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स हमारे पास क्या आया, नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगा, क्यों, एक्स माइनस वन है और एक्स प्लस से वन है, जब हमने माइनस टू अप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, माइनस टू माइनस वन और माइनस टू प्लस से वन, तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और भाई में पॉजिटिव है ये एक्स स्क्वायर, तो क्या आ गया पॉजिटिव, एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन जीरो होगा, एंड फॉर एक्स ग्रेटर देन वन है तो एक्स की वैल्यू टू पुट कर ली, वन से बड़ी टू रख ली हमने, टू अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, टू माइनस वन वन आ जाएगा, टू प्लस वन थ्री, ये भी दोनों पॉजिटिव, नीचे पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव आ जाएगा, एफ डैश एक्स है वो भी ग्रेटर देन जीरो है, तो क्या बोल देंगे, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आइडेंटिटी, हेंस एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ए आइडेंटिटी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 16 की स्टेटमेंट है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स, फंक्शन दे रखा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 से पाई बाई 2 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन पाई बाई 2 टू पाई, अब दोनों के लिए अप्लाई करके दिखाना है हमें, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स है, एफ डैश एक्स निकालेंगे, लॉग ऑफ का कर देंगे 1 बाई साइन एक्स, साइन एक्स का कोस एक्स, कोस बाई साइन क्या आ जाएगा, कोट एक्स आ जाएगा, ऑन द इंटरवल 0 टू पाई बाई 2, अब हमारे पास फर्स्ट इंटरवल है 0 टू पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 केस में है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव हैं, तो एफ डैश एक्स है इज इक्वल टू कोट एक्स, और कोट एक्स क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0, और 0 से बड़ा है तो क्या बोल देंगे, देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 टू पाई बाई 2। फिर दूसरा हमारे पास इंटरवल दे रखा है पाई बाई 2 टू पाई, पाई बाई 2 से पाई हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट, ऑन द इंटरवल पाई बाई 2 टू पाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो कोट नेगेटिव है, एफ डैश एक्स कोट एक्स है, कोट एक्स नेगेटिव है तो क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा, और जब लेस देन 0 है तो क्या बोल देंगे, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन पाई बाई 2 टू पाई। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 टू पाई बाई 2 एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन पाई बाई 2 टू पाई, ये हमें अप्लाई करके दिखाना है कैसे, जैसे 16 था बिल्कुल एज इट इज़ है, एफ एक्स लॉग ऑफ कॉस एक्स, एफ डैश एक्स निकालेंगे, लॉग ऑफ कॉस एक्स का 1 बाई कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, साइन बाई कॉस क्या आ जाएगा, माइनस टेन एक्स, ऑन इंटरवल 0 टू पाई बाई 2 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में सभी पॉजिटिव हैं, टेन एक्स है वो पॉजिटिव होगा, बट नेगेटिव दे रखा है तो ये तो पॉजिटिव है, पर पॉजिटिव नेगेटिव क्या आ जाएगा, नेगेटिव, तो क्या लिख देंगे, एफ डैश एक्स है वो लेस देन 0 आएगा, और लेस देन 0 है तो क्या बोल देंगे, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 टू पाई बाई 2 के लिए। उसके बाद हम अप्लाई करेंगे ऑन द इंटरवल पाई बाई 2 टू पाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में अप्लाई करेंगे पाई बाई 2 से पाई के लिए, टेन एक्स है वो नेगेटिव है, टेन एक्स अगर नेगेटिव है तो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में ऑलरेडी नेगेटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स है वो हमारे पास माइनस टेन एक्स ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन पाई बाई 2 टू पाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्केयर प्लस थ्री एक्स माइनस 100 इज इंक्रीजिंग इन आर, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है किस पर, आर पर, एफ एक्स है हमारे पास, एफ डैश एक्स निकाल लेंगे, एक्स क्यूब का थ्री एक्स स्केयर माइनस 3 2 6x और प्लस 3, पूरे में से 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्केयर माइनस 2x प्लस 1, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस 1 का होल स्केयर लिख सकते हैं, अब किसी का भी स्केयर है वो हमारे पास क्या आएगा, इसके अंदर कुछ भी वैल्यू अप्लाई कर देंगे हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, क्योंकि स्केयर है और पॉजिटिव देगा, बार भी पॉजिटिव है तो क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0, क्योंकि 1 रख देंगे तो 1 माइनस 1 0, पूरा 0 हो जाएगा, तो या तो 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा, फॉर ऑल एक्स इन रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर अप्लाई कर सकते हैं, देयर फॉर एफ एक्स इंक्रीजिंग ऑन आर। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, द इंटरवल इन विच
y इज इक्वल टू एक्स स्केयर ई की पावर माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग, किस पर इंक्रीजिंग है ये बताना हमें। एफ एक्स इज इक्वल टू वाई है और इज इक्वल टू एक्स स्केयर ई की पावर माइनस एक्स। डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे, यू इन टू वी लगाएंगे, फर्स्ट एज इट इज ई की एक्स का ई की पावर माइनस एक्स एज इट इज माइनस एक्स का माइनस वन प्लस ई की पावर माइनस एक्स एज इट इज और एक्स स्केयर का टू एक्स आ जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिख देंगे, टू एक्स ई की पावर माइनस एक्स और ये आ जाएगा माइनस एक्स स्केयर ई की माइनस एक्स, पूरे में से एक्स ई की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे हम। अब यहाँ पे क्या बचेगा, x भी बाहर जाएगा, e की पावर माइनस एक्स भी बाहर जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, इसमें से एक x बाहर गया और ये गया तो क्या बचेगा, माइनस x बचेगा। dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास, इसमें से जो e की पावर माइनस एक्स है इसको डिवाइड में लेके गए तो प्लस हो जाएगी, ऊपर क्या रहेगा x, 2 माइनस एक्स और e की पावर x पॉजिटिव हो गई इज इक्वल टू 0। अब इसको जब हम उधर लेके जाएंगे 0 हो जाएगा और x इंटू 2 माइनस x आ गया इन ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारे पास क्या है, 0 से पाई बाई 2, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ से क्या है, x की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, 2 इज इक्वल टू x, x की वैल्यू या तो 0 होगी या 2 होगी, तो हमारे पास 2 आ गए तो इन ऑप्शन डी। डी वाई बाई डी एक्स है वो ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x इन द इंटरवल 0 टू 2। ये थी हमारी पास एक्सरसाइज 6.2। ओके, थैंक यू।